हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने 12th क्लास के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं और अब आप लोग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बैठने वाले हैं, तो आई होप आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। तैयारी हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग एक तरीके से केयरलेसनेस कर जाते हैं। तो आज 15 जुलाई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, कुछ बच्चों की डेट्स भी आ चुकी हैं। तो मुझे कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी कि उनके साथ ये चीज़ें हो गई। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने वेबसाइट खोल रखी है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, यहाँ से आप देख सकते हैं। आप यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और ऑब्वियसली आपने यहीं से ही अपनी एप्लीकेशन भी भरी होगी। तो ये एक नोटिफिकेशन है जो 13 जुलाई को पब्लिश की थी, ये मैंने खोल ली है। ये कुछ इस तरीके से एक नोटिफिकेशन है, एडवाइसरी है, जो आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं उनके लिए इशू की गई है। तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लूँगी। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी लगे तो मैं ये टेलीग्राम पे भी अभी डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15 जुलाई से, यानी कि आज से, ये एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। और क्योंकि ये एक ही दिन नहीं होने वाले हैं, आज कुछ बच्चों के थे, कुछ बच्चों के 20 अगस्त तक चलने वाले हैं। मतलब इट डिपेंड्स आपको कौन सी डेट मिली है। सबसे पहला काम तो आप लोगों को ये करना है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है एज पर द इंस्टीट्यूट ऑल्सो, कि आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, जहाँ पे आपको आपकी डेट इनमें से 15 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम कब है वो आपको पता चल चुका होगा। मॉर्निंग है कि इवनिंग, कौन सी शिफ्ट में आपका हो रहा है, आपका कोर्स, वेन्यू, ये सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पे मेंशनड होगा। तो वो आप कृपया करके डाउनलोड कर लो, और ये डाउनलोड करने के लिए लिंक भी इसी में मिलेगा आपको। तो अगर आपको वहाँ वेबसाइट नहीं खुल रही है कुछ, तो आप इस लिंक से भी ट्राई कर लेना, ये आपको PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी। अब एक चीज़ की ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि टाइम से पहले पहुँच जाना, पेपर मिस नहीं होना चाहिए। तैयारी करते रह गए, पेपर देने नहीं जा पाए, तो वो ध्यान रखना है कि हमने टाइम से पेपर देने पहुंच जाना है। गेट क्लोज हमारे सामने, या ये नहीं होना चाहिए कि हम खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम का टाइम निकल गया, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको अपनी लोकेशन पे टाइम से पहले पहुंच जाना है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आप वहाँ पे अपने साथ क्या कैरी करने वाले हैं, तो आप एक एडमिट कार्ड जो कि आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे वो आपके पास होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी अपलोड की होगी वो वाली फोटो आपके पास होनी चाहिए, और वैलिड आईडी प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड हो या 12th का एडमिट कार्ड हो या आईडी प्रूफ, कोई वोटर आईडी है आपके पास या कैसे पासपोर्ट है। कोशिश करो कि आधार कार्ड ही हो या कुछ भी आपके पास जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड वेयरिंग देयर ओन मास्क, ठीक है। मास्क सेंटर पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वही आपको लेने हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स इंश्योर करेंगे कि क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा, और वो उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए जो आपने ऑप्ट किया है और जो आपके एडमिट कार्ड पे इंडिकेट हो रहा है। ऐसा ना हो कि एडमिट कार्ड पे आपने कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई और दिख रहा है। अगर 1% ऐसा हो जाए तो फटाफट उसी वक्त अपने इनविजिलेटर को, जो उस वक्त आपकी लैब में होगा, उसी को बोल देना ताकि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कैरी कर सकते वो है, आप अपना पेंसिल वगैरह सब कुछ, आपको कुछ भी कैरी नहीं करना है, कैलकुलेटर, टैबलेट, कैमरा, फ़ोन, कुछ भी आपको कैरी नहीं करना है। सिर्फ आपके पास एक एडमिट कार्ड होगा, एक आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आधार कार्ड होगा, या आपके पास जो भी PWD का सर्टिफिकेट है अगर वो आपके पास है तो आप वो लेके जाएंगे। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो अपने लिए वो टैबलेट या जो भी उसको कुछ अगर चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल में वो पानी लेके जा सकते हैं, बट अदरवाइज और कुछ भी नहीं। ब्लैंक शीट ऑफ पेपर अगर आपको चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए या कुछ भी, तो वो आपको वहीं पे ही मिल जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में। और मैं अभी से बता देती हूँ कि उसके ऊपर अपना नाम और रोल नंबर लिख लेना,
ये ना हो कि आप कर रहे हो और बीच में इनविजिलेटर आपको रोक दे कि आपने नाम नहीं लिखा और उस चक्कर में आप कोई पॉइंट मिस कर जाओ। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने नहीं किया होगा तो आपकी वो आंसर्स को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स को अपनी अटेंडेंस शीट इन एलिजिबल हैंड राइटिंग होना चाहिए, सब कुछ अपना सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशंस वगैरह वो सब वो वहाँ लेंगे, और इंश्योर करना कि जो उनका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है वो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर पे मेंशन की गई होंगी वो बड़े ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन करने से पहले ये नहीं कि इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पढ़ी, तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। और एक बार कैंडिडेट को एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है तो आपने मॉक टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड, जिन बच्चों के पेपर आज हो गए हैं उनके तो हो गए, लेकिन इनके 20 अगस्त या फिर जिनके पास अभी कुछ दिन हैं और आपने अभी तक अगर मॉक टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि पेपर पे मॉक टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड है, तो एक बार कंप्यूटर बेस को फेमिलराइज करने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि होता कैसे है, उसको ध्यान देने के लिए आपको एक बार मॉक टेस्ट कंप्यूटर पे ज़रूर कर लेना है। इंस्ट्रक्शंस सारी की सारी एडमिट कार्ड पे लिखी गई होंगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो उन्होंने ये ईमेल आईडी दे रखा है। वैसे कोई डाउट रखना मत, क्योंकि बहुत कम उम्मीद होती है कि सॉल्व किया जाए। जैसा सिंपल तरीके से हो रहा है बस वैसे ही चलना और उस चीज़ को समझते जाना। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा होती है, तो आपको कंपनसेटरी या एक्स्ट्रा टाइम के तौर से 20 मिनट्स दिए जाएंगे ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं। इन सबको मैं सम अप करते हुए आपको ये कहूंगी कि बिल्कुल शांत दिमाग से जाओ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अब मत सोचो। जैसे एडमिट कार्ड ले जाना है और कुछ और चीज़ नहीं ले जानी है, बस सिंपल तरीके से जाओ। और अगर आपके पास थोड़े दिन बचे हैं तो इन टाइम में कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ने की बजाय बार बार कंप्यूटर पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में हम बहुत बार गलती करते हैं, क्योंकि हम 12th तक हमेशा पेपर पे ही एग्जाम देते आए हैं। अगर आपने ऑनलाइन मोड में कोविड में भी एग्जाम दिए थे तो भी हमने पेपर पे लिख के पीडीएफ बना के डाली है, हमने ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड बहुत कम एग्जाम दिए हैं। और ये लगभग एक तरीके से कह सकते हैं 12th क्लास के बाद आपका फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम है, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो। तो बहुत ध्यान से करना, शांत दिमाग से करना, और एक बार अपने आप को फेमिलियराइज कर लेना कंप्यूटर टेस्ट पेपर से। ऑल द बेस्ट जिन बच्चों के एग्जाम हो गए हैं। अगर आप ये वीडियो होने के बाद देख रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन से क्वेश्चन आए, क्या था कुछ आप लोग, ताकि दूसरे बच्चों की हेल्प कर सको। और जिनके एग्जाम्स अभी होने वाले हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हों। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।